हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एम्स्टर्डम सिटी का गाइडेड टूर कराने वाला हूं। हम एक एक करके एम्स्टर्डम सिटी की सारी मेजर साइट्स देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे, जिससे जब आप यहां घूमने आएँ तो आपको हेल्प हो। यह एम्स्टर्डम ट्रेवल सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नेदरलैंड्स और एम्स्टर्डम के बारे में काफ़ी बातें बताई थी और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का गाइडेड टूर कराया था। और क्योंकि मैं पूरा एम्स्टर्डम डिटेल में कवर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एम्स्टर्डम ट्रैवल सीरीज़ पर दो वीडियोस और बनाने होंगे। आपको एम्स्टर्डम के ऊपर मेरे सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप एम्स्टर्डम की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो तमाम गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। लेट्स बिगिन। आप एम्स्टर्डम चाहे एयरपोर्ट से होते हुए आएँ या यूरोप के किसी दूसरे सिटी से ट्रेन से, आपकी एम्स्टर्डम में एंट्री सेंट्रल स्टेशन से ही होगी। सेंट्रल स्टेशन एम्स्टर्डम का मेन ट्रेन स्टेशन है, यहीं से हमारा गाइडेड टूर शुरू होगा। ये जो मेरे पीछे रेड कलर की बिल्डिंग है, इसे सेंट्रल स्टेशन बोलते हैं। यह यहाँ का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। अगर आप एयरपोर्ट से या ट्रेन से आ रहे हैं तो आपकी एम्स्टर्डम में एंट्री यहीं से होगी। ये नियोगोथिक स्ट्रक्चर है, रेड कलर की ब्रिक्स से बना हुआ है। इसमें आपको पीछे दो घड़ियाँ दिख रही होंगी, एक घड़ी टाइम बताती है, दूसरा वेदर बताती है। आपको एम्स्टर्डम में कहीं भी जाना है तो यहाँ से आपको जाने के सारे साधन मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ट्रैम, बस, मेट्रो, बाईसाइकिल, जो चाहिए वो मिल जाएगा। पहले ये जगह पानी पानी थी, यहाँ पे ये हार्बर था यहाँ पे, और उसका माउथ था जहाँ पे अभी सेंट्रल स्टेशन खड़ा हुआ है। लेट 1800s में डच पीपल ने सेंट्रल स्टेशन बनाया। उस टाइम यहाँ पे नेदरलैंड में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी। टाइम के साथ ये स्टेशन जो है पुराना होने लगा, तो नेदरलैंड ने काफ़ी पैसा लगा के इस स्टेशन को रेनोवेट करा गया और आज ये किसी लग्जरी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता। इस बिल्डिंग के फसाड पर राइट में जो घड़ी है वो टाइम बताती है। बीच में दो शेरों ने जो क्राउन पकड़ा रखा है वो रॉयल्टी का साइन है। और लेफ्ट में जो घड़ी है वो विंड की डायरेक्शन बताती है। विंड वाली जो ये घड़ी है, इसमें एन मतलब नॉर्ड मतलब नॉर्थ, जेड मतलब जुइड मतलब साउथ, ओ मतलब ऑस्ट मतलब ईस्ट, और डब्ल्यू मतलब वेस्ट। ट्रेन स्टेशन से बाहर आते ही लेफ्ट में सेंट निकोलस कैथोलिक चर्च दिखेगी। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन 1500s में पूरे यूरोप में चली थी। उस टाइम यहाँ कैथोलिक्स के खुलेआम अपनी पूजा करने पर बैन लगा दिया गया था। ऐसा करीब 300 सालों तक चला। फिर माहौल ठीक होने पर 1880s में यह सेंट निकोलस कैथोलिक चर्च बनाई गई। चलिए अब चलते हैं एम्स्टर्डम की एक बहुत सुंदर अनएक्सप्लोर्ड जगह देखने, जिसका नाम बेगाइनहॉफ है। बेगाइंस मतलब सिंगल पायस औरतें, जिन्होंने अपने आप को मैरिज और मैटरियलिज्म से पूरी तरह से अलग कर दिया है, और हॉफ मतलब कोर्टयार्ड। तो बेगाइनहॉफ का मतलब हुआ ऐसा कोर्टयार्ड जहाँ पे बेगाइन कम्युनिटी की औरतें रहती हैं। ये गेटेड सोसाइटी है, इससे आगे बस यहाँ रहने वाली वेमैन ही जा सकती हैं। इससे बाहर जहाँ आपको शोर शराबा मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल शांति है। और यहाँ के घर बहुत ही खूबसूरत हैं। ये डच गोल्डन एज के टाइम का आर्किटेक्चर है। मैं इस वक्त एक बहुत ही शांत और ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड में खड़ा हूँ, जिसे बेगाइनहॉफ कहते हैं। यहाँ चारों तरफ ब्यूटीफुल घर हैं और बहुत ही शांति है। यहाँ पे बेगाइन कम्युनिटी की औरतें रहती हैं। ये वो कम्युनिटी है जिसकी औरतें 1346 से यहाँ रहती हुई आई हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भगवान की भक्ति में लगा दी है। इनके पति तब क्रूसेड पे जाते थे या फिर ट्रेड करने जाते थे और जिंदा नहीं लौटते थे, तो ये विधवा हो जाती थी। तो इनकी ज़िंदगी में कुछ और था नहीं, तो इन्होंने मैटेरियलिज्म, मैरिज, इन सब को त्याग दिया और यहाँ आके भगवान की भक्ति करने लगी। ये जो पहले आइलैंड था, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, तो क्योंकि यहाँ सिर्फ बेगाइन कम्युनिटी की औरतें रहती थी, इसलिए इसे विमेंस आइलैंड भी बोलते थे। फिर ये जो औरतें थीं, इनके लिए यहाँ पे 1420 में चर्च भी बनाई गई, ताकि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें यहाँ पे। और वो यहाँ पे बहुत ही नेक काम करती थीं, जैसे कि कपड़े बुनना, बीमारों की देखभाल करना या फिर बच्चों को पढ़ाना। फिर टाइम के संग ये कम्युनिटी सर्वाइव करती रही, और जो लास्ट बेगाइन जिसकी डेथ हुई थी वो यहाँ पे 1971 में हुई थी। आज भी यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारी सिंगल कैथोलिक औरतों को सब्सिडी पे हाउसिंग देती है यहाँ रहने के लिए। ये यहाँ पर एक बेगाइन का स्टैचू है। बेगाइंस के इस स्टैचू के सामने आपको जो ब्लैक कलर का घर दिख रहा है, अब उसके बारे में जानते हैं। मेरे पीछे आपको एक काले रंग का घर दिख रहा होगा, ये लकड़ी का बना हुआ है।
हाउस नंबर 34 बेगाइंस के स्टैचू के सामने ही है। एम्स्टर्डम में कभी सारे के सारे घर लकड़ी के ही हुआ करते थे, लेकिन आए दिन आग लगती रहती थी तो ये घर जल जाते थे, लेकिन ये वाला घर सर्वाइव कर गया, जबकि इसके आसपास के घर जल गए थे, वो भी लकड़ी के थे। फिर उसके बाद लोगों ने ब्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू करा घर बनाने के लिए, और आज पूरे एम्स्टर्डम में ब्रिक के ही घर दिखाई देंगे सिवाय इस घर के। पूरे बेगाइनहॉफ में अकेला घर है जो कि वुड का बना हुआ है। इसके आसपास के सारे घर ब्रिक्स के बने हुए हैं। यह घर अब से करीब 500 साल पहले 1528 में बनाया गया था। दरअसल आज जहां एम्स्टर्डम है वहां कभी मार्शी लैंड हुआ करता था। जो लोग शुरुआत में यहां रहने आए थे उन्होंने उस गीली मिट्टी वाली जमीन में वुडन कॉलम्स गाड़ के उनके ऊपर लकड़ी के घर बनाकर रहना शुरू किया, क्योंकि वो घर हल्के होते थे, पर आए दिन आग लगने से घर जल जाते थे। जब ब्रिक्स का यूज़ शुरू हुआ तो यहाँ भी ब्रिक्स के घर बनने लगे, पर क्योंकि ब्रिक्स वाले घर भारी होते थे वुडन कॉलम्स के लिए, तो वुडन कॉलम्स को ज़्यादा गहराई तक गाढ़ा जाने लगा, और फिर बाद में तो कंक्रीट के कॉलम्स को ही घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बेगाइनहॉफ से बाहर आते ही हम स्पाओ स्क्वायर पे आ जाएंगे और हमें एक खूबसूरत आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। ये स्पाओ स्क्वायर है, इस पर आपको कैफेज, बार्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैम्स सब मिल जाएगा। टच गोल्डन एज जो कि 1600s में थी, उस टाइम ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये गोदाम की तरह यूज़ की जाती थी। तब डच मर्चेंट्स एशिया और अमेरिका से जो कीमती चीज़ें लेकर आते थे उन्हें इन बिल्डिंग्स में स्टोर किया करते थे, और एम्स्टर्डम को उस टाइम वेयरहाउस ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता था। ये जो मेरे साइड में रोड दिख रही है ये सेंट्रल स्टेशन के ठीक सामने है, इसे डैम रैक बोलते हैं। ये सेंट्रल स्टेशन को डैम स्क्वायर से कनेक्ट करती है। पहले यहाँ पे कभी एम्सल रिवर बहा करती थी। ये जो एम्सल रिवर थी यूरोप के इंटीरियर से आती थी और यहाँ पे आके आई पासेज में गिरती थी, जो आगे जाके जाइडस थी और उससे आगे जाके नॉर्थ सी में गिरता था। तो जो ट्रेडर थे यूरोप के इंटीरियर पोर्शन से यहाँ एम्स्टर्डम में आते थे ट्रेड के लिए, तो ये जो एम्स्टर्डम था ट्रेड का हब बन गया। और अगर ट्रेडर्स को दुनिया के दूसरे कोनों में जाना होता था तो नॉर्थ सी से ही जा सकते थे, तो उसके लिए भी उनको यहाँ से आना पड़ता था। तो इस वजह से ट्रेड में काफ़ी तरक्की करी एंशियंट टाइम में एम्स्टर्डम में। ये रोड जिसका नाम डैम रैक है कभी एम्स्टर्डम रिवर का बेड हुआ करती थी। फिर एम्स्टर्डम रिवर को अलग अलग कैनाल्स में डाइवर्ट कर दिया गया और उसके रिवर बेड को सुखाकर उस पर ये रोड बना दी गई। अब इस रोड पर ट्रैम्स चलती हैं, ये ट्रैम का ट्रैक है। इसी रोड पर ढेर सारी शॉप्स हैं जिन पे एम्स्टर्डम ट्रिप के सारे पॉपुलर सुवेनियर मिल जाएंगे, जैसे कि डच चीज व्हील्स, विंडमिल्स का सॉल्ट शेकर, ट्यूलिप्स, हाइनेकन बियर। यहाँ फ्रेंच फ्राइज भी बहुत अच्छी मिलती हैं। फ्रेंच फ्राइज की शॉप पे आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे। इसी रोड पर ये लंबी चौड़ी रेड कलर की बिल्डिंग है जिसका नाम है ब्यूअर्स पैन बर्लाज। ये जो मेरे पीछे रेड कलर की बिल्डिंग है ये एम्स्टर्डम का स्टॉक एक्सचेंज है। ये एम्स्टर्डम की जो लॉन्ग ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है उसका प्रतीक है। ये 1903 में बनाई गई थी और इसे बनाने के लिए 5000 वुडन पाइलिंग्स को मार्शी ग्राउंड में गाड़ा गया और 90,00,000 ब्रिक्स का इस्तेमाल करा गया। ये अपने टाइम की सबसे पहली मॉडर्न बिल्डिंग्स में से एक है। डच गोल्डन एज से पहले इस बिल्डिंग के एंड वाली जगह पर गोट, चिकन और बियर की ट्रेड हुआ करती थी। इस बिल्डिंग को मनी एक्सचेंज के लिए बनाया गया था। इसके टावर पे स्क्वायर क्लॉक है। सेंट्रल स्टेशन इस बिल्डिंग के सामने ही है और ब्यूअर्स प्लाइन स्क्वायर इस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। ये है मेरे पीछे एन फ्रैंक हाउस और उसके सामने जो कैनाल है वो है प्रिंस कैनाल। मैं इस वक्त एन फ्रैंक हाउस देखने के लिए जा रहा हूँ। ये एक म्यूजियम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एन फ्रैंक अपनी फैमिली और एक और फैमिली के साथ लगभग 2 साल इसी घर में छिपी रही थी नाजी फोर्सेस से बचने के लिए। एन फ्रैंक हाउस के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके अंदर का नहीं दिखा पाऊंगा। ये सामने एन फ्रैंक हाउस है। ये पूरी दुनिया में फेमस है एक टीनेज यंग गर्ल एन फ्रैंक की वजह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चली। इस दौरान नाजी फोर्सेस ने पूरे नेदरलैंड्स पे कब्जा कर लिया था। वो एम्स्टर्डम से ज्यूस को पकड़कर जान से मारने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज रहे थे। एन फ्रैंक एक ज्यूइश टीनेज गर्ल थी।
उस दौरान अपनी जान बचाने के लिए एन फ्रैंक, उसकी एल्डर सिस्टर, उसके पेरेंट्स और चार और लोग इस घर में एक सीक्रेट जगह छिप गए। उस सीक्रेट एनेक्स का दरवाज़ा एक बुककेस के पीछे छिपा हुआ था। उन आठ लोगों ने यहाँ 2 साल हाइडिंग में बिताए। इस दौरान यंग एन फ्रैंक यहाँ छिपे हुए ही बड़ी हो रही थी और उसने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस एक डायरी में लिखने शुरू कर दिए। वो लोग बहुत धीरे चलते थे यहाँ पे, बहुत धीरे हिलते थे ताकि किसी को भी उनके छिपे होने का एहसास ना हो। उसके फादर के कुछ भरोसेमंद दोस्त उनको खाना और वॉर की अपडेट दिया करते थे छुप कर। फिर एक टिप मिलने पर नाजी फोर्सेस को उनके छुपे होने का पता चल गया। उन्होंने एन फ्रैंक और बाकी 7 लोगों को पकड़कर अगस्त 1944 में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से कुछ ही महीने पहले एन फ्रैंक और उसकी सिस्टर की टाइफस डिजीज से डेथ हो गई। उन 8 लोगों में बस एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक ही जिंदा बचे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बाहर आकर उन्होंने अपनी बेटी एन फ्रैंक की डायरी पब्लिश कराई। ये डायरी कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर पब्लिश हो चुकी है और इस पर कई मूवी और प्ले बन चुके हैं। एन फ्रैंक हाउस के सामने ही वेस्टरकर्क है। डच लैंग्वेज में कर्क का मतलब चर्च होता है। वेस्टरकर्क एक प्रोटेस्टेंट चर्च है। यह चर्च 1631 में बनकर तैयार हुई थी। तब एम्स्टर्डम की गोल्डन एज थी और सिटी डैम स्क्वायर के बाहर एक्सपेंड हो रहा था। यह चर्च अंदर से बिल्कुल सिंपल है, प्लेन वाइट वॉल्स, नो स्टैचूज, नो स्टेन्ड ग्लास विंडोज। इसके अंदर एम्स्टर्डम के कई रिच एंड फेमस लोगों के फैंसी ग्रेवस्टोन्स भी हैं। डच गोल्डन एज के ग्रेट आर्टिस्ट रेम्ब्रांट का ग्रेवस्टोन भी इसी चर्च में है। इस चर्च में एंट्री फ्री है, पर इसके टावर पर चढ़ने के लिए आपको फीस देनी होगी। इस चर्च का टावर एम्स्टर्डम का टॉलेस्ट टावर है। इस टावर पे एक क्राउन का सिंबल दिख रहा होगा। ये हैब्सबर्ग एम्पायर की रॉयल्टी का सिंबल है जो एम्स्टर्डम सिटी को उनसे गिफ्ट में मिला क्योंकि इस सिटी ने उनको एक बड़ा लोन दिया था। क्राउन सिंबल के नीचे जो ट्रिपल एक्स लिखा दिखाई दे रहा है वो एम्स्टर्डम सिटी का सिंबल है। इस टावर के अंदर एक शानदार बहुत पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैरिलॉन है। इस इंस्ट्रूमेंट में एक कीबोर्ड बहुत सारी घंटियों से कनेक्ट होता है। ये घंटियाँ एक म्यूजिक आर्टिस्ट के द्वारा कीबोर्ड की मदद से हर 15 मिनट में बजाई जाती हैं। एन फ्रैंक अपनी हाइडिंग के दौरान छिपकर इस चर्च को देखा करती थी और इसकी घंटियों की तेज आवाज़ उसे बाहर की दुनिया के होने का एहसास कराती थी। ये अगली जगह डैम स्क्वायर है। यह एम्स्टर्डम का काफ़ी पॉपुलर स्क्वायर है। यहाँ पर लोकल्स और टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ होती है। जिस जगह ये डैम स्क्वायर है वहाँ पर कभी मार्शी लैंड हुआ करता था। एम्स्टर रिवर साउथ से बहकर आया करती थी, डैम स्क्वायर और डैमरैक वाली जगह से होकर गुजरती थी और सेंट्रल स्टेशन वाली जगह पर जाके आई चैनल में गिरा करती थी। फिर 1250 के करीब कुछ लोगों ने एम्स्टर रिवर पर एक डैम बनाया और उसके साइड में एक छोटा सा विलेज बनाया जिसका नाम उन्होंने एम्स्टर डैम रखा। इस सिटी का नाम एम्स्टर्डम भी उसी विलेज के नाम पर रखा गया है। डैम स्क्वायर पर आपको काफ़ी फेमस साइट्स देखने को मिलेंगी जैसे कि रॉयल पैलेस, न्यू चर्च, मैडम टुसॉड्स, नेशनल मॉन्यूमेंट वगैरह। अब एक एक करके डैम स्क्वायर पर लोकेटेड इन साइट्स के बारे में जानेंगे। ये जो मेरे पीछे ग्रैंड बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसका नाम है रॉयल पैलेस। इसे अर्ली 1600s में बनवाया गया था क्योंकि डच गोल्डन एज नई नई आई थी। एम्स्टर्डम वर्ल्ड का रिचेस्ट सिटी बना था और यहाँ पे रिपब्लिक भी नया नया एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद यहाँ पे नेपोलियन आया, उसने अपने भाई लुइस को यहाँ पे बैठाया किंग की तरह। तब से लेके अब तक जो एम्स्टर्डम की रॉयल फैमिलीज हैं वो यहीं रॉयल पैलेस में रहती हैं। और ये जो रॉयल पैलेस है करीब 350 साल से 13,000 वुडन पाइलिंग्स के ऊपर खड़ा हुआ है क्योंकि पहले यहाँ एम्स्टर रिवर बहती थी तो सारे में पानी पानी था, तो उसके ऊपर बांस के डंडे गाड़ के प्लेटफॉर्म बना के उसके बाद बिल्डिंग बनाई गई है रॉयल पैलेस की। रॉयल पैलेस डच रॉयल फैमिली का प्राइवेट रेजिडेंस है, इसलिए टूरिस्ट के लिए बस इसका एक ही फ्लोर खोला हुआ है जिसपे आप टोटल 20 लेविशली डेकोरेटेड रूम्स को जाके विजिट कर सकते हो। इन रूम्स में आपको बहुत महंगे शैंडेलियर्स, पेंटिंग्स, स्टैचूज और फर्नीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको एम्स्टर्डम के गोल्डन एज की ग्लोरी को याद दिलाएंगे। यहाँ अंदर के रूम्स में घूमते हुए आपको देखेगा कि यहाँ पे जो किंग लुइस थे, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे रहे थे, वो इंटीरियर डेकोरेशन में यहाँ कौन सी नई चीज़ें लेके आए, जैसे कि कलर थीम्ड रूम्स, थिक कर्टेंस, कारपेट्स जिन पे ज्योमेट्रिक पैटर्न है, या फिर हाईली पॉलिश्ड महोगनी फर्नीचर।
किसी ज़माने में इस बालकनी से खड़े होकर क्राइयर या मेयर सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया करते थे। अब यहाँ रॉयल फैमिली आकर कैमराज और क्राउड को हेलो वेव किया करती है। रॉयल पैलेस के साइड में ये बिल्डिंग न्यू चर्च है। न्यू चर्च बिल्कुल भी न्यू नहीं है, करीब 600 साल पुरानी है। इसे न्यू चर्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चर्च ओल्ड चर्च के करीब 100 साल बाद बनी, तो ओल्ड चर्च के कंपैरिजन में न्यू हुई। मिड 1500s में प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के कारण एंटी कैथोलिक लहर अपने चरम पर थी। तब प्रोटेस्टेंट्स ने यहाँ एम्स्टर्डम में इस न्यू चर्च के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। फिर स्पेन से उनकी करीब 80 साल की वॉर चली, जिसमें नेदरलैंड जीता और फिर बाकी चर्चेस की तरह इस चर्च को भी प्रोटेस्टेंट चर्च में कन्वर्ट कर लिया गया। डैम स्क्वायर पर ही वाइट कलर का जो एक कॉलम है, इसे वर्ल्ड वॉर टू मेमोरियल कहते हैं। इसे वर्ल्ड वॉर टू में मारे गए डच लोगों की सफरिंग्स को याद रखने के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम नाजी फोर्सेस ने नेदरलैंड को कैप्चर कर लिया और ज्यूस को पकड़कर मारने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजने लगे थे। नेदरलैंड्स के उस टाइम करीब 140,000 ज्यूज में से करीब 105,000 ज्यूज मार दिए गए। फिर जब एलाइड फोर्सेस ने एंटवर्प सिटी को नाजी से आज़ाद करवा लिया, तो बदला लेने के लिए नाजी फोर्सेस ने दिसंबर 1944 में एम्स्टर्डम सिटी की फूड सप्लाई काट दी, जिससे कई हजार लोग भूख से मारे गए। इस वाइट कॉलम पे क्रूसीफाइड क्राइस्ट और चेन्स में बंधे हुए लोग हमें उसी दुख भरे टाइम की याद दिलाते हैं। अभी हमने न्यू चर्च देखी थी, चलिए अब ओल्ड चर्च देखते हैं। ये ओल्ड चर्च है, ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में है। ये एम्स्टर्डम की सबसे पुरानी चर्च है। मेडिवल टाइम में जब सेलर्स लंबी लंबी सी जर्नीस कंप्लीट करके एम्स्टर्डम आते थे, तो दूर से उन्हें सबसे पहले इस चर्च का टावर दिखता था, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि एम्स्टर्डम आ गया। फिर वो एम्स्टर्डम आकर सबसे पहले सेंट निकोलस का आशीर्वाद लेते थे। सेंट निकोलस इस सिटी के पैटर्न सेंट हैं और उन्हें प्रोटेक्टर ऑफ सी ट्रेवलर्स भी बोला जाता है। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के टाइम इस चर्च में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस चर्च को भी प्रोटेस्टेंट चर्च बनाया गया था। इस चर्च के बाहर एक प्रोस्टिट्यूट का स्टैचू लगा हुआ है, मेनली टू ऑनर प्रोस्टिट्यूट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओल्ड चर्च में एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप इसके टावर पर चढ़ के अच्छे व्यूज एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए टिकट लगती है। एम्स्टर्डम में घूमते हुए आपको कई जगह हेरिंग फिश की शॉप्स मिल जाएंगी। हेरिंग फिश यहाँ की काफ़ी फेमस मछली है। करीब 900 साल पहले जब एम्स्टर्डम में ट्रेड की शुरुआत हुई थी, तभी से यहाँ के ट्रेडर्स हेरिंग फिश की ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। यहाँ इन शॉप्स पे रॉ हेरिंग फिश पीसीस में काटकर, पिकल और ऑनियन डालकर डच फ्लैग वाले टूथपिक के साथ खाने के लिए दी जाती है। एक और डच सिटी रोटरडैम में पूरी हेरिंग फिश साबुत निकली जाती है। नेदरलैंड्स में एक सिटी है जिसका नाम डेल्फ्ट है। वहाँ के ऐसे ब्लू प्लस वाइट कलर के बर्तन काफ़ी फेमस हैं। इन बर्तनों को डेल्फ्ट वेयर बोला जाता है। एम्स्टर्डम में भी आपको कुछ शॉप्स पे डेल्फ्ट वेयर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ की ट्रैम लेकर यहाँ के कुछ फेमस म्यूजियम्स को देखने चलते हैं। ये खूबसूरत बिल्डिंग राइक्स म्यूजियम है। ये एम्स्टर्डम की ब्लॉकबस्टर टूरिस्ट साइट है। इसके अंदर 17th सेंचुरी गोल्डन एज एम्स्टर्डम की कई हजार पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में से कई तो डच मास्टर आर्टिस्ट जैसे रेमब्रांड, वर्मीर, हाल्स और स्टीन ने बनाई थी। इसके अलावा एम्स्टर्डम के गोल्डन एज के समय के बहुत सारे स्टैचूज और फर्नीचर भी इस म्यूजियम के अंदर है। इस म्यूजियम के अंदर आर्ट का इतना बड़ा कलेक्शन है कि सारी पेंटिंग्स देखने में आपको आराम से एक महीना लग जाएगा। ये राइक्स म्यूजियम का इंटीरियर है। सेंट्रल स्टेशन और राइक्स म्यूजियम दोनों का आर्किटेक्ट सेम था। मैं अभी अभी राइक्स म्यूजियम देख के निकला हूँ। अंदर इतना सारा आर्ट का कलेक्शन है कि देखने के लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ेगा। अंदर जो मैंने देखा, जो डच गोल्डन एज के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जाने माने जैसे रेमब्रांट, वर्मीर, इन सब की आर्ट का काफ़ी कलेक्शन है। बहुत सारी पेंटिंग है, फर्नीचर है, डेल्फ्ट वेयर है, काफ़ी कुछ था अंदर। राइक्स म्यूजियम के बीच में से एक टनल जा रही है, जिसमें हमेशा बहुत सारी बाइसाइकल्स चलती रहेंगी और स्ट्रीट म्यूजिशियन ग्रेट म्यूजिक बजाते रहेंगे।
अगली मस्ट विजिट साइट वैन गॉग म्यूजियम है। वैन गॉग मॉडर्न टाइम्स के ग्रेट डच आर्टिस्ट थे। उनका वर्क उनकी लाइफ को दिखाता था जो कि दुखों से भरी हुई थी। हमेशा उनके पास पैसों की तंगी रही और पैसों के लिए वो अपने भाई थियो पर डिपेंडेंट रहा करते थे। फिर 1890 में 37 की एज में उन्होंने डिप्रेशन में आकर खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। उनके आर्टवर्क को उनके आर्ट डीलर ब्रदर थियो ही ओन किया करते थे। जहां आर्टिस्टों ने हमेशा रिच लोगों के पोर्ट्रेट बनाए जैसे किंग्स और मर्चेंट्स के, वहीं वैन गॉग ने गरीब किसानों के, उनकी मुश्किल लाइफ के पोर्ट्रेट बनाए। उनका स्टाइल भी बाकी पेंटर्स से बिल्कुल अलग था। वो थिक पेंट्स और ब्राइट कलर्स यूज़ किया करते थे। उनका ब्रशवर्क भी काफ़ी मैसी था और उनके पोर्ट्रेट्स में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और इम्प्रेशनिज्म काफ़ी होता था। यहाँ वैन गॉग म्यूजियम में उनके करीब 200 पेंटिंग्स हैं, जिनमें सनफ्लावर्स, स्टारी नाइट, पोटैटो ईटर्स, बेडरूम और कई सेल्फ पोर्ट्रेट हैं। ये वैन गॉग का सेल्फ पोर्ट्रेट है। इसमें उनके रेड हेयर, ग्रीन आइज और एंगुलर फेस दिखेगा। शुरू में उनको पेंटिंग की प्रैक्टिस करनी होती थी, पर इसके लिए मॉडल्स को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने कई सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए। वैन गॉग म्यूजियम की दूसरी मेन पेंटिंग सनफ्लावर्स है। इसमें कई सनफ्लावर्स गुलदस्ते में रखे हुए हैं। इस पेंटिंग को वैन गॉग ने 1888 में अर्ल्स, जो कि फ्रांस में है, वहाँ बनाया था। इसमें उन्होंने 3 शेड्स येलो कलर के यूज़ किए हैं। उन्होंने इसमें यह दिखाया है कि एक ही कलर के 3 वेरिएशन वाली पेंटिंग भी शानदार बन सकती है। यहाँ की तीसरी मेन पेंटिंग बेडरूम है। इसे भी वैन गॉग ने अर्ल्स में ही 1889 में अपने येलो हाउस में रहते हुए बनाया था। इस पेंटिंग में उन्होंने तब के अपने बेडरूम को पेंट किया है। इसमें उनका फर्नीचर भी दिखेगा। वॉल पे उनका वर्क टंगा है और काफ़ी ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ का चौथा मेन पोर्ट्रेट पोटैटो ईटर्स है। इसमें वैन गॉग ने डच कंट्री साइड में काम करने वाले किसानों की मुश्किल ज़िंदगी को दिखाया है। उनके फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी चिंता से भरे हुए हैं। उनके हाथों पर काफ़ी फोकस है जो कि फूड में जा रहे हैं। यह मैसेज देने के लिए है कि इन किसानों ने ये फूड अपनी मेहनत से कमाया है। इस पेंटिंग का कलर भी उन्होंने डस्टी पोटैटो जैसा ही रखा है। वैन गॉग की पांचवी मेन पेंटिंग है द स्टारी नाइट। ये काफ़ी पॉपुलर पेंटिंग है। इसे उन्होंने अपने 1889 के असाइलम के दौरान बनाया था। इस पेंटिंग में उन्होंने ब्लू कलर का काफ़ी इस्तेमाल किया है। हिल्स आसमान में ब्लेंड हो रही हैं। छोटा सा विलेज बेस में है, ब्राउन ग्रे और ब्लू कलर में। हर बिल्डिंग की ब्लैक आउटलाइन है और सबसे मेन, आसमान में बड़े बड़े येलो और वाइट कलर के स्टार्स और मून सबका ध्यान खींच रहे हैं। साइप्रस ट्रीज आसमान में मर्ज हो रहे हैं और क्लाउड वेव्स की तरह हैं। पूरी पेंटिंग एक सपने के जैसी है। वैन गॉग म्यूजियम के सामने ये शिडेलिक म्यूजियम है। ये एम्स्टर्डम का टॉप मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है। इसमें 1850 से 2000 तक की ग्रेट डच मॉडर्न आर्ट है। इसमें आपको पिकासो, चागोल और वैन गॉग का भी काफ़ी वर्क दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें एवरीडे यूज़ के ऑब्जेक्ट आर्ट की फॉर्म में भी दिखाई देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इस गाइडेड टूर को अभी के लिए रोक रहा हूँ। ये एम्स्टर्डम ट्रैवल सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड था। अगले एपिसोड में मैं आपको एम्स्टर्डम के सबसे ब्यूटीफुल नेबरहुड्स में ले जाऊँगा और वहाँ घूमने के बाद हम एम्स्टर्डम की ग्रेट अट्रैक्शन कैनाल टूर करेंगे। अगर आप एम्स्टर्डम जाना प्लान कर रहे हैं तो मुझसे हेल्प ले सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एम्स्टर्डम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।